मटर छीलने का आसान तरीका, 10 मिनट में 1 किलो मटर छील दोगे इस तरीके से। आज मैं आपको बताऊंगी बहुत ही आसान टिप्स, जिससे आप सरलता से मटर के दाने निकालने का सिर्फ 10 मिनट में अब 1 से 2 किलो मटर के दाने पील कर सकते हैं। हरी मटर को छीलना एक सावधानी पूर्वक लेकिन फायदेमंद काम हो सकता है। इसे प्राप्त करने का एक प्रभावी तरीका ब्लेचिंग तकनीक है। ब्लेचिंग न केवल त्वचा को ढीला करने में मदद करता है, बल्कि यह मटर के जीवंत रंग और पोषक तत्वों को भी बरकरार रखता है। यहाँ ब्लेचिंग विधि का उपयोग करके हरी मटर को छीलने के लिए चरण दर चरण मार्गदर्शिका दी गई है। पानी उबालना। एक बर्तन में पानी भरें और उसे धीमी आंच पर उबालने दें। पानी के क्वथनांक तक पहुंचने की प्रतीक्षा करते समय बर्फ के पानी का एक कटोरा तैयार करें। बर्फ के पानी का उपयोग मटर को ब्लांच करने के बाद झटका देने, पकाने की प्रक्रिया को रोकने और उनके चमकीले हरे रंग को संरक्षित करने के लिए किया जाएगा। मटर को ब्लांच करना। पानी में उबाल आने पर सावधानी से हरी मटर डालें। इन्हें करीब 30 सेकंड से 1 मिनट तक पकने दें। यह संक्षिप्त ब्लांचिंग समय पर मटर को अधिक पकाए बिना छिलका ढीला करने के लिए पर्याप्त है। एक स्लेटेड चम्मच या छन्नी का उपयोग करके उबले हुए मटर को उबलते पानी से तुरंत बर्फ के पानी के कटोरे में स्थानांतरित करें। यह त्वरित शीतलन प्रक्रिया पकने को रोकने में मदद करती है और मटर के जीवंत रंग को बनाए रखती है। मटर छीलें। एक बार जब मटर 1 या 2 मिनट के लिए बर्फ के पानी में ठंडे हो जाएं, तो उन्हें एक छलनी का उपयोग करके छान लें। मटर को छीलने के लिए प्रत्येक मटर को अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच में लें और धीरे से दबा डालें। त्वचा आसानी से निकल जानी चाहिए। ध्यान रखें कि छिलके उतारते समय मटर को कुचल ना दें। मटर को सुखाना। छीलने के बाद मटर को थपथपाकर सुखाना जरूरी है। अतिरिक्त नमी को धीरे से सोखने के लिए एक साफ रसोई के तौलिए या कागज के तौलिए का उपयोग करें। सूखे मटर व्यंजनों में बेहतर काम करेंगे और स्वाद को खराब होने से बचाएंगे। यह ब्लेंचिंग विधि न केवल छीलने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाती है, बल्कि मटर के पोषण मूल्य को बरकरार रखते हुए उसकी कोमलता को भी बढ़ाती है। बड़ी मात्रा में मटर से निपटते समय कुछ मदद लेने या ऐसे दोस्तों या परिवार के साथ एक मज़ेदार रसोई गतिविधि में बदलने पर विचार करें। इस तरीके की और भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि और भी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। धन्यवाद।